ओम शांति। एक गांव में तीन चार महिलाएं कुएं से पीने का पानी भरकर ला रही थी, क्योंकि कितने भी उन्नति हो गई, घरों के बाहर वाटर वर्क्स के नलके भी लग गए, तो भी वो बाकी काम उन नल के पानी से कर लिया करती थी। घर में सफाई, झाड़ू पोछा, लिपाई, ये सब कुछ, लेकिन पीने के लिए पानी कुएं का ही लेकर आती थी। तो रोज शाम को इकट्ठे होकर चार पांच महिलाएं और वहां जाती थी, और अच्छा शरीर बहुत बलिष्ठ और मजबूत रहता है, सिर पर भी एक मटका या घड़ा पानी का, हाथ में भी एक बाल्टी पानी की, कुएं के पानी की, ऐसे वो हर रोज का नियम था। तो आते हुए एक दिन बात कर रही थी कि जैसे ही उनके पास से, शाम को उनके पास से एक नवयुवक वहां से गया और उसने चलते हुए आवाज लगाई, माँ जल्दी घर पहुंचो, भूख लगी है। तो वो माँ बड़ी खुश होके, हैरान होके कहती, अच्छा आज ये शहर से जल्दी आ गया है, ये मेरा बेटा है, शहर में हमने इसको पढ़ाया है, बहुत हार्ड इनकम से, बहुत मुश्किल से कमाई करके खेतों में इसके पिताजी ने इसको शहर में पढ़ाया है, डॉक्टर बन गया है बड़ा, और ये आज शहर में हर हफ्ते आता है, आज थोड़ा जल्दी आ गया है। हाँ बेटा मैं आती हूँ तुम्हारे लिए, रोटी बनाऊंगी, खाना बनाती हूँ। तो पीछे थोड़ा और स्पीड से चलने लगी। तभी एक और नवयुवक वहां से निकला, उसके हाथ में भी कुछ काला सा बैग था। तो मेन रोड पर ही कहीं बस से या गाड़ी से उतरा, और वो भी पैदल जा रहा था, तो उसने भी चलते हुए आवाज लगाई, अरे माँ अब तक घर नहीं पहुंची, तो आज तो खाना मिलने में बहुत देरी हो जाएगी। तो दूसरी महिला खुश होके बोली, मेरा बेटा है शहर में वकील बन गया है, ये भी 15 दिन महीने में आता है, तो अच्छा आज ये पहुंच गया बहन, मैं भी जल्दी चलती हूँ। तो ऐसे करके वो भी थोड़ा स्पीड से चलने लगी। तभी एक और नवयुवक वहां से गुजर रहा था, एक बुढ़िया ये सब नजारा देख रही थी, चलते हुए धीरे धीरे चल रही थी। तो तभी एक और नौजवान अपने माँ के पास आया, उसके हाथ से बाल्टी ली और उसका मटका अपने सिर पर रखा, अपने कंधे पर रखा, और माँ हल्की हो गई, वो भी तेज चलने लगी, और वो तो था ही नौजवान, तेज चल ही रहा था, और वो साथ साथ चलने लगा। ये महिला कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये उसका बेटा जमींदार था, अपने ही गांव में अपने ही खेत में काम करके वापिस आ रहा था। उसने देखा माँ के सिर पर पानी का मटका है, हाथ में पानी की बाल्टी है, तो उसने बड़े प्यार से वो उससे ले ली, और इतना अच्छा सा सहयोग देते हुए वो साथ साथ चल रहा था। बुढ़िया ने उन तीनों को देखकर कहा कि देखो बेटियों, तुम्हारे तीनों के बच्चे मैंने देखे हैं, पर चमक तो यही रहा है जो अपनी माँ के साथ चल रहा है। अब समझ में आ गया, कहाँ तो ये बेचारी चुपचाप चल रही थी, इसने कोई परिचय नहीं दिया कि मेरा बेटा क्या है, और वो दोनों जो बहुत अच्छे से अपने बच्चों का, अपने बेटे का परिचय दे रही थी, अब वो चुप हो गई, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि चमक तो यही रहा है। चमकना अर्थात क्या, जो इनर वैल्यूज हैं, जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वो बतानी नहीं पड़ती हैं, वो अपने आप चमकती हैं, वो दिखाई दे रहा है, उसमें आदर भाव, प्रेम भाव, सहयोग देने की भावना, माँ के प्रति श्रद्धा, वो उसे दिखाई दे रही है। उन दोनों ने पढ़ाई बहुत अच्छी की, पैसे अच्छे कमा रहे हैं, दूर शहर में रहते हैं, लेकिन माँ के लिए, सबके लिए इनर वैल्यूज कितनी है, अंदर भाव क्या है, वो भी उनके व्यवहार से दिखाई दे गया। अब आप सोचिए कि जो चीज
चमक पैदा करती है वो है आपकी मोरालिटी, आपकी नैतिकता, आपकी डिविनिटी। कुछ भी हो जाए अपनी इनर वैल्यूज को मरने ना दें। आज आप सहयोग दे रहे हैं तो आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। आप प्यार बांट रहे हैं तो आपको प्यार जरूर मिलेगा। ये वो चीज है जो देने से बढ़ती है और मिलती है। ओम शांति।